हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपको बताया गया था कि आज से आपका जो क्लास है वो चालू होना है, पहले बोल दिया गया था आप लोग को। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से एक्टिव हो जाइए, ऑनलाइन जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास यदि शुरू से किया जाए तो फिर पूरा मैटर्स कंप्लीट आता है माइंड में। जल्दी से जुड़ जाओ सभी, जो भी लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। 11th का जो क्लास है उसका आज फर्स्ट डे है, जल्दी से सभी लोग जुड़ो। क्लास 11th है और इसमें बेसिक मैटर चालू होगा। अब बेसिक मैटर को यदि हम लोग जाने तो किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। जैसे कोई चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखो जनरली मैटर्स तरह तरह का आता है। आप लोग पहले जल्दी से जुड़ जाओ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ जो क्लास 11th में हो, और जहां तक मुझे आप जान रहे हो जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि क्लास फर्स्ट डे से ही करना बहुत जरूरी है। आप लोग का 9:10 में प्रत्येक दिन क्लास चालू हो जाएगा ऑनलाइन। 9:10 में क्लास आपका चालू हो जाएगा। जल्दी से जुड़ जाना सभी लोग, क्लास चालू करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जब कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, चाहे वो सेंटेंस हिंदी वाला हो या सेंटेंस इंग्लिश वाला हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो आप माइंड लगाओ कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत किसका पड़ता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत किसका पड़ता है, ध्यान से समझना क्या क्या पॉइंट है। सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, वर्ब का जरूरत पड़ता है, और ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। किसका किसका पड़ता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। यदि हम लोग सब्जेक्ट को जाने, वर्ब को जाने, ऑब्जेक्ट को जाने, तो यह मैटर कंप्लीट हो सकता है। अब जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई भी सेंटेंस में यदि हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट इसमें हो जाता है क्या, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही सी इट, नेम। यदि हम लोग पहले सब्जेक्ट को जाने तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही सी इट, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब आ जाता है। और उसी का वर्ब देखो, जैसे वर्ब होता है इज एम आर है,
वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड ये सब है, उसी में गो रीड लाफ ये सब भी वर्ब है। और उससे बचा हुआ मैटर जो सेंटेंस में जुड़ा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अब यदि हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसी सब्जेक्ट का जो फॉर्म बनता है कुछ वही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब हम लोगों को पहले ये समझ जाना है कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब जनरली आप जानते हो एज एम आर, अभी पूरा बेसिक से हम चालू करेंगे तो एज एम आर वाज वेयर ये लोग सब जान रहे हो कि वह एक्सिलरी वर्ब में आता है या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, तो वो वर्ब है। उसके बाद जो बचता है वह क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को जाने। जो आप लोग का क्लास शुरू होगा वो होगा कहां से, यूज ऑफ देयर से। कहां से शुरू होगा, यूज ऑफ देयर से। यूज ऑफ देयर। अब यहां से पहले माइंड लगाना है, अब यहां से पूरा माइंड लगाओ कि ये मैटर किस तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो पहले बताया गया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के माध्यम से पहले हम लोग यदि पर्सन को जान लें, यदि हम लोग पर्सन को जान लें तो क्या है, पर्सन पढ़ने के बाद, जनरली बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर्सन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग को सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सब होता है, वो कौन सब विभाग में काम करता है। तो यदि पर्सन को हम लोग देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू। और देखो थर्ड पर्सन में आई वी यू के सिवाय जितना पॉइंट बचता है ना, सब किस में आ जाता है, सब आ जाता है थर्ड पर्सन। जैसे देखो, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है, नाम है। अब इस नाम के साथ पर्सन, प्लेस, थिंग ये सब है। और यदि इस सभी पॉइंट को हम माने तो यह सभी पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट। यह सभी पॉइंट सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। पूरा एकदम बेसिक से ध्यान देना है। देखो फर्स्ट पर्सन में कौन आ गया, आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, पर्सन प्लेस थिंग, ये सब क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें अभी हम लोग देयर को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वह भी एक सब्जेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे, किसी को भी हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को बेसिक में इतना जानना है कि आई वी यू दे ही सी इट नेम पर्सन प्लेस थिंग जो है यह सब क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद इज एम आर की बारी आती है, एक्सिलरी वर्ब की बारी आती है। तो इज एम आर आप पहले से जान रहे और देयर में कंप्लीट करेंगे, लिखते चले जाएंगे आप लोग कॉपी में, कंप्लीट करते चले जाना। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आई वी यू के सिवाय जो बचता है वो थर्ड पर्सन हो जाता है। अब
अब देखना, सब्जेक्ट तो पकड़ में आ गया। सब्जेक्ट कौन सा? आई वी यू दे हिस इट नेम, ये सब क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। पहला पॉइंट माइंड में लगाओ, आई वी यू दे हिस इट नेम सब्जेक्ट होता है। इसमें कौन सा पर्सन है ये आप माइंड में लगा लेना। आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और आई वी यू के सिवाय जितना बचता है वो सब क्या है? थर्ड पर्सन है। अब देखो शुरुआती जो पॉइंट्स का करना है, आप तो सब्जेक्ट समझ चुके हो, अब शुरुआती जो करना है वो कहां से करना है? देयर से। अब देखो देयर जैसे है, अब देयर को माइंड में लगाओ, पहला सवाल हो जाता है कि देयर क्या है और देयर का यूज कहां होता है? देयर क्या है और इसका यूज कहां होता है? देखो इट इज एन एडवर्ब एंड इट इज यूज्ड फॉर नंबर और प्लेस। इट इज एन एडवर्ब एंड इट इज यूज्ड फॉर नंबर और प्लेस। इसका हिंदी थोड़ा सा जानना है। देखो इट इज यूज्ड, इसका हिंदी क्या आ जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे देखना क्या है कि नंबर हो गया, नंबर का मतलब क्या आ जाता है? संख्या। और प्लेस हो गया, प्लेस का मतलब क्या आ जाता है? स्थान। माइंड लो, इट इज यूज्ड का हिंदी क्या हो गया? इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया? नंबर मतलब संख्या और प्लेस मतलब स्थान। ये पॉइंट। अब क्या है, जैसे हम लोग देयर को देखते हैं तो इसमें दो सवाल तो उठ गया। देयर पहला नंबर, देयर क्या है और देयर का यूज कहाँ होता है? माइंड लगाओ, देयर क्या है और देयर का यूज कहाँ होता है? आपको अभी एडवर्ब सब बताया नहीं गया, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि यह देयर जो है ना, देयर एक क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। देयर क्या है? तो देयर एक एडवर्ब है एंड इट इज यूज्ड फॉर नंबर और प्लेस। इट इज यूज्ड फॉर नंबर प्लेस। इट इज यूज्ड का मतलब क्या हो गया? इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का मतलब के लिए, और नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, और प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। तो देयर का यूज कहां होता है? नंबर और प्लेस में, नंबर और प्लेस में। अब देखो नंबर कैसे होता है, जैसे नंबर, नंबर को क्या, जैसे 10, 20, 2, 4, 5, 25, 50, 100, ये सब क्या है? एक नंबर है। 2, 4, 5, 25, 50, ये सब क्या है? एक नंबर है। अब उसके बाद देखो जैसे प्लेस है, तो प्लेस भी क्या है? जैसे मान लो कि हम लोग अभी घर में हैं, तो हमारा घर क्या है? एक स्थान है। भागलपुर में होते तो भागलपुर एक स्थान है। हम लोग गाँव में है तो वह हमारा क्या है? एक स्थान है। तो वहां सब जो है देयर का यूज होता है। सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है, अब जो है देयर भी समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट में कौन सा आया था? आई वी यू दे हिस इट नेम पर्सन प्लेस थिंग, ये सब क्या है? एक सब्जेक्ट का काम है। उसके बाद देखो देयर में क्या आ गया, देयर एक एडवर्ब है। आप एडवर्ब को छोड़ भी दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये जानना है कि देयर कहां यूज में आता है। तो देयर आता है यूज नंबर में और प्लेस में, नंबर में और प्लेस में। अब छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग धीरे 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 जानते चले जाते हैं, एकदम कंप्लीट कर लोगे आप। एकदम छोटा छोटा माइंड लगाना है। तो देखना देयर का यूज कहां हुआ? नंबर और प्लेस में, नंबर और प्लेस। देयर का यूज दो जगह पर है, नंबर में है और प्लेस में। एक साधारण सा सेंटेंस लो, मान लो एक बिल्ली है। एक बहुत सा साधारण सेंटेंस, एक बिल्ली है, ठीक है। अब जैसे हम एक बिल्ली है का बात करें,
नंबर और प्लेस। अब जैसे ऐसा है, एक बिल्ली है। अब आप कैसे बनाते हो एक बिल्ली है? कोई लोग बना देते हैं ए कैट इज, कोई बना देते हैं दिस इज ए कैट, ऐसे करके बना देते हैं ए कैट इज, और कोई बनाते हैं क्या दिस इज ए कैट। इसमें देखो दो में से कोई भी सही नहीं है, ए कैट इज भी सही नहीं है और फिर दिस इज ए कैट भी सही नहीं है। अब यहां पे माइंड लगाओ, एक बिल्ली है तो एक जो है, तो एक क्या है, एक जो है एक तो नंबर आ गया, तो जैसे नंबर आ गया तो जनरली तो देर मांग रहा है ये। और दूसरा सवाल है कि एक बिल्ली है तो बिल्ली जहां कहीं भी होगा कोई ना कोई स्थान तो जरूर होगा, एक बिल्ली है तो बिल्ली जहां कहीं भी होगी तो कोई ना कोई स्थान तो जरूर होगा। तो जैसे स्थान आया, जैसे नंबर आया, तो स्थान और नंबर के लिए किसका यूज होता है, देयर का। तो इसको बना लोगे क्या बन जाएगा, देयर इज ए कैट। इसको क्या बना लोगे आप, देयर इज ए कैट। मैटर कंप्लीट हो गया होगा, देयर इज ए कैट कंप्लीट हो गया है। एक बिल्ली है, एक कैट इज नहीं बनेगा, दिस इज ए कैट नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, देयर इज ए कैट। कंप्लीट समझ में आ गया होगा, जहां नंबर होगा, जहां प्लेस होगा, वहां पर किसका यूज करना है, देयर से, देयर का। तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, माइंड में क्लियर करते चले जाना। अब इसी जगह लो, मान लो एक एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है का कैसे बना लेते हैं, देयर इज ए स्टूडेंट, बन गया देयर इज ए स्टूडेंट। अब इसी जगह बनाए यदि दो गायें हैं, तब क्या करोगे, दो गायें हैं, तब दो गायें हैं, तब क्या हो जाएगा, देयर आर टू काउज, देयर आर टू काउज। अब यहां प्रॉब्लम है इज क्यों नहीं, तो दो गायें हैं, देयर आर टू काउज। अब यहां पे है क्या, जैसे देखो इज, इज का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग एक के लिए, आर होता है इसका प्रयोग एक से अधिक के लिए, और फिर देखो जैसे वाज है, वाज का मतलब था, इसका प्रयोग एक के लिए, और वेयर इसका प्रयोग एक से अधिक के लिए, और इसी में यदि होगा आ जाए तो लेंगे क्या, विल बी, मतलब होगा, होगी, होंगे। तो ये देखो सिंगुलर है और ये प्लुरल है, ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। अब मैटर कंप्लीट हो जाएगा, इसको पहले लिख लेना अपने कॉपी में, इसको लिखते चले जाओ। बन गया ये, एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट, एक विद्यार्थी है तो देयर इज ए स्टूडेंट, दो गाय हैं तो देयर आर टू कॉज। अब यहां पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया और प्लुरल हो गया। सिंगुलर में इज है, आर एक से अधिक के लिए, और वाज था एक के लिए, और वेयर एक से अधिक के लिए, और जैसे विल बी होगा के लिए आ जाएगा तो विल बी लेते हैं, और फिर हिंदी में आ जाएगा होगा तो विल बी, और इंग्लिश में आएगा विल बी, तो हिंदी क्या हो जाएगा, होगा। मेथड ये कंप्लीट होगा, ठीक है, इसको क्लियर करते चले जाओ सभी लोग।
अब जैसे इसमें लिया जाए कि 10 किसान थे, इसको बनाओ, और जैसे इसमें 5 विद्यार्थी होंगे, 50 कवि हैं, 2 चपरासी होंगे, 4 विद्यार्थी थे। चलो इसको बनाओ, बन जाएगा, क्लियर करो, क्लियर करो जल्दी इसको। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो जो भी क्लास कर रहे हो, अच्छा है, कंप्लीट कंप्लीट करो, बहुत अच्छा। वर्ब देयर वास कैसे होगा, 10 किसान की बात हो रही है तो 10 के लिए बताया गया, 1 से अधिक में वेयर होगा, तो सबको कंप्लीट करो, लिखते चले जाओ जल्दी से। चलो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग, अब बना लो इसको, बनाओ, क्या बन जाएगा, 10 किसान थे तो क्या बन जाएगा, देयर वेयर 10 फार्मर्स। अब यहाँ पे देखो 10 हो गया, तो यहाँ पे अगर फार्मर करते हैं तो वह 1 को इंडिकेट करेगा, और फार्मर्स कर दिए तो 1 से अधिक को इंडिकेट करेगा, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस करो। अब जैसे देखो 10 किसान थे तो देयर वेयर 10 फार्मर्स, 5 विद्यार्थी होंगे तो 5 विद्यार्थी होंगे क्या बन जाएगा, देयर विल बी 5 स्टूडेंट्स, देयर विल बी 5 स्टूडेंट्स बन जाएगा। अब फिर क्या है, 5 कवि हैं, 50 कवि हैं, तो 50 कवि हैं तो क्या बन जाएगा, देयर आर 50 पोएट्स, देयर आर 50 पोएट्स। आप इसको कॉर्ड में भी लिख सकते हो और वर्ड में भी लिख सकते हो, कॉर्ड में 50 हो गया, और फिर वर्ड में लिखोगे FIFTY, दोनों में से कोई भी गलत नहीं, बिंदास सही है। तो 50 कवि है, देयर आर 50 पोएट्स। अब यहाँ देखो 2 चपरासी होंगे, 2 चपरासी होंगे, देयर विल बी 2 प्यून्स, देयर विल बी 2 प्यून्स। अब 4 विद्यार्थी थे, 4 विद्यार्थी थे, देयर वेयर 4 स्टूडेंट्स, देयर वेयर 4 स्टूडेंट्स। बना रहे हो सर, क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ तक से जो आगे बढ़ना हम लोग को, तो आपको सिंगुलर और प्लुरल पहले समझ लेना है। सिंगुलर कहाँ हो जाता है, जैसे मान लो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है आ जाता है, और पास्ट में लेते हैं तो था थी थे में आ जाता है, फ्यूचर में लेते हैं तो गागे गी से रिलेटेड आता है। तो आपको हम तीनों वर्ड लिखा दिए, जैसे प्रेजेंट है तो इज और आर यहाँ पर होगा, इज और आर जैसे यहाँ पर हुआ तो इज एक के लिए, आर एक से अधिक के लिए, वाज एक के लिए, वेयर एक से अधिक के लिए, और होगा में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो सिंगुलर या प्लुरल कंप्लीट कर रहा है। अब एक सेंटेंस देखो, जैसे अभी बताया गया एक कुत्ता है, इसको कैसे बनाते हैं, देयर इज ए डॉग, ऐसा बनाते हैं। अब इसी जगह यह होता कि वहां एक कुत्ता है, वहां एक कुत्ता है तो इसको कैसे बनाते हैं, अब माइंड में लगा देखो,
एक कुत्ता है तो हम लोग पहले से बना लिया और देयर का यूज है इसमें, तो एक कुत्ता है पहले क्या बन जाएगा, देयर इज ए डॉग, कंप्लीट है। अब वहां बच गया, वहां का क्या ले लेते हैं, देयर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देयर आ ही गया है तो देयर इज ए डॉग ले लिया और देयर छोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देयर इज ए डॉग देयर। अब बता, जैसे वहां एक विद्यार्थी है तो देयर इज ए स्टूडेंट देयर, वहां एक गाय थी तो देयर वाज ए कॉग देयर। तो वहां जैसे सेंटेंस में सेट हुआ तो वहां का आपको वर्ड डालना पड़ेगा, देयर हो जाता। कंप्लीट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो इससे आगे चलते हैं, एकदम परेशान नहीं होना है बिंदास, बहुत छोटे छोटे मैटर से शुरू हुआ है आपका क्लास, एकदम परेशान नहीं होना है। यदि आप परेशान होकर के इंग्लिश सीखेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, दिक्कत मिलेगा। बस बोर्ड पर ध्यान देना है, कैसे कैसे क्या क्या बोला जा रहा है, मैटर माइंड्स में आता चला जाएगा। हाँ देखो, यहाँ पर हम लोग तो देयर को देख लिए, क्या नंबर और प्लेस है। अब सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, एक वर्ड जैसे ऑन का मतलब देखो पर होता है और इन का मतलब देखो क्या होता है, मे होता है। जनरली हमेशा ऑन का अर्थ पर नहीं होता है, हमेशा इन का अर्थ मे नहीं होता है, बल्कि कुछ प्रीपोजिशनल मैटर ऐसा है जिसको हम लोगों को देखना पड़ता है कि जैसे ऑन मतलब पर होता है, इन मतलब में होता है, क्योंकि हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं तो यही सीखना है, ऑन का पर इन का में। अब देखो इस पर सेंटेंस जो है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा सेंटेंस था क्या, एक एक बिल्ली, एक बिल्ली। अब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, There is a cat, ऐसा। अब इसी पर यदि होता किताब पर एक बिल्ली है, ठीक है, अब यदि इसी पर होता किताब पर एक बिल्ली है तो आपको माइंड ये लगाना है, पहले ही देखो एक बिल्ली है बन गया, There is a cat, complete है। अब यहाँ से बैक चलो आप, यहाँ से बैक चलो आप तो क्या मिल जाता है पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द बुक, क्या बन गया, एक बिल्ली है, There is a cat, किताब पर, ऑन द बुक। अब माइंड लगाओ, जैसे यहाँ पर का तो ऑन ले लिया, किताब का बुक ले लिया, अब यहाँ पर द कैसे आया, द यहाँ पर क्या आया। अब देखो क्या है इसमें, यहाँ पर ध्यान देना, इस सेंटेंस में हम लोग द लिखेंगे तो भी सही है और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। सेंटेंस में यहाँ पर जैसे आया हुआ है, यहाँ पर द लिखेंगे तो भी सही होगा और नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा। द इसलिए लगा देते हैं ताकि यदि सेंटेंस को हम लोग बोलें, यदि हम बोलते हैं तो द लगा के बोलने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है, और द के बिना बोलने के बाद थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसीलिए यूज में आता है, स्पोकन में यूज आता है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, द लगा देते हैं। मैटर कंप्लीट होगा, द हम लोग लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पर द देंगे तो भी सही होगा और नहीं देंगे तो भी सही होगा। अब माइंड लगाओ, एक बिल्ली है क्या बन गया, देयर इज ए कैट, किताब पर का क्या हो गया, ऑन द बुक। अब इसी में यदि होता सड़क पर एक घोड़ा है तो एक घोड़ा है पहले बना लेंगे, सड़क पर का बाद में लास्ट में देंगे, There is a horse on the road, बना लोगे, दिक्कत नहीं है। अब उसी जगह मान लो कि घर में एक बिल्ली है, घर में एक बिल्ली है तो एक बिल्ली बना लिए, There is a cat in the house, बना सकते हो। अब कुछ सेंटेंस दे रहा है पहले उसको,
चलो इसको बनाओ। बनाते चल जाओ। बहुत अच्छा था, जवाब दे रहे हो आप लोग, जवाब देते चले जाओ। बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। जहां पर एक से अधिक है उसमें एस लगा दो, जो भी नाउन है उसमें एस लगा दो, एक से अधिक वाला में। चलो इसको बनाना है। अब यदि हम लोग इसको बनाते हैं, देखो क्या आ जाएगा। सड़क पर एक गाय थी, तो सड़क पर एक गाय थी कैसे बना लेते हैं। देयर वाज ए काउ ऑन द रोड। क्लियर, एक गाय थी बना लिया, देयर वाज ए काउ ऑन द रोड। फिर देखो घर में दो चूहे थे, तो घर में दो चूहे थे, देयर वेयर टू रैट्स, देयर वेयर टू रैट्स इन द हाउस। फिर देखो वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं, वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं पहले बना लो, क्या बन जाएगा ये। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लियर है, वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी है का पहले बन गया, 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, वर्ग में का क्या आ जाता है इन द क्लास। अब फिर देखो किताब पर 5 चूहे होंगे, तो पहले 5 चूहे होंगे क्या आ जाएगा, देयर विल बी 5 रैट्स, देयर विल बी 5 रैट्स, 5 चूहे होंगे। अब क्या आ गया किताब पर, तो क्या हो जाएगा ऑन द बुक। किताब पर 5 चूहे होंगे, देयर विल बी 5 रैट्स ऑन द बुक। अब देखो गांव में 10 कवि थे, तो पहले क्या बन जाएगा, 10 कवि थे, तो 10 कवि थे कैसे, देयर वेयर 10 पोएट्स गांव में इन द विलेज। देयर वेयर 10 पोएट्स इन द विलेज। अब जंगल में एक राजा था, तो एक राजा था पहले बना लो, क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। अब जंगल में, तो क्या आ जाएगा इन द फॉरेस्ट। क्लियर है, जंगल में एक राजा था, तो जंगल में एक राजा था, तो एक राजा था बन गया क्या, देयर वाज ए किंग, और जंगल में का क्या आ गया इन द फॉरेस्ट। थोड़ा क्लियर है मैटर, हमको पोएट में एस लगाया लेकिन एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। हाँ बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, मैटर क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। देयर वाज ए किंग इन द फॉरेस्ट, प्लो एफ ओ आर ई एस टी, देयर वाज ए किंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। आप जंगल का जंगल भी ले सकते हो। क्लियर है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी पर लिखते जाओ, वही अच्छा रहेगा, हम तो चाहेंगे कॉपी पर ही नोट किया जाए। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करते चले जाओ। दो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एक साधारण सा मैटर में आया, एक साधारण सा पॉइंट क्या हो गया,
जैसे छोटा सा सेंटेंस है, जैसे एक कुत्ता है देयर इज ए डॉग, एक बिल्ली है देयर इज ए कैट, ये सब सेंटेंस हो गया। अब उसी को थोड़ा सा जब लॉन्ग किया गया तो उसमें लगाए क्या, ऑन मतलब पर, इनका मतलब मे। अब ऑन का मतलब पर हो गया, इनका मतलब मे हो गया। अब वही टाइप के सेंटेंस को जैसे यहाँ पर लिया गया, तो आप पहले गिनते वाले पॉइंट को उठा लो, गिनते वाले पॉइंट को उठा लो, और उसके बाद जैसे इसको बनाया फिर यहाँ वाला बैक कर लो। जैसे देखो दो चूहे थे तो देयर वेयर टू रेट्स बन गया यहाँ तक। अब क्या है घर में, इन द हाउस, यदि हाउस और होम में फर्क जानना है तो होम देखो, होम आता है क्या अपना घर के लिए, हाउस आता है रेंट के लिए, ठीक है। हाउस जैसे एच ओ यू एस ई हाउस लो, और फिर एच ओ एम ई होम लो, तो होम का मतलब होता है ऑन मतलब अपना, और ये रेंट का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें किराया देते हैं वो हाउस है, और फिर जिसमें जो अपना है उसमें क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, अर्थात वो अपना होम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ज्यादातर जो यूज में आता है वो होम नहीं आता है, वो हाउस यूज में आता है, हाउस रेंट के लिए, होम अपना के लिए, लेकिन ज्यादातर यूज में हाउस आता है, होम नहीं आता है। तो कंप्लीट है, दो चूहे थे तो देयर वेयर टू रैट्स इन द हाउस, किताब पर पांच चूहे होंगे, देयर विल बी फाइव रैट्स ऑन द बुक। कंप्लीट है यहां तक आपका। अब जैसे ऑन और इन, ऑन का मतलब क्या हो जाता है पर, और इन का मतलब क्या हो जाता है मे। जनरली ये सेंटेंस में आता है, थोड़ा सेंटेंस को बड़ा किया गया। अब इसी से थोड़ा सा और अगर अलग जाते हैं, सेंटेंस को और अच्छा बनाते हैं, तो सेंटेंस में वर्ड्स लेना पड़ेगा जिसमें आएगा क्या, मेनी। देखो पूरा बेसिक से आपका क्लास चालू किया गया है, जैसे एक दिन भी यदि आप छोड़ दिए तो दूसरे दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्लास करना है तो पूरा रेगुलर और टाइम पर शुरू से क्लास करेंगे, नहीं तो क्लास करेंगे ही नहीं। अब देखिए जैसे मेनी आ गया, मेनी का मतलब क्या है, बहुत सारे। अब ये जो मेनी वर्ड है, ये मेनी अपने बाद क्या है, प्लुरल नाउन लेता है। मेनी अपने बाद क्या है, प्लुरल नाउन लेता है। अब देखो सिंगुलर और प्लुरल में क्या फर्क है, जैसे देखो काउ हो गया, ये सिंगुलर है, और ये काउज हो गया प्लुरल है, ये वन को बताएगा और ये वन प्लस को बताएगा। कैट हो गया और ये कैट्स हो गया, ठीक है, तो ये वन है और ये वन प्लस। इसी तरीके से ये सब कौन सा नाउन हो जाता है, प्लुरल नाउन हो जाता है, और ये सब कौन सा नाउन हो जाता है, सिंगुलर नाउन हो जाता है। तो सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जैसे कैट हो गया एक को बताएगा, जैसे डॉग हो गया एक को बताएगा, उसी में एस लगाने के बाद वो प्लुरल हो जाता है। और बाकी जनरल जब नंबर चैप्टर आएगा तो उसमें पूरा कंप्लीट बताएंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। अब जैसे इसमें देखिए मेनी स्टूडेंट्स, अब देखिए मेनी टीचर्स, फिर देखिए जैसे मेनी पोएट्स, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी आप अपने माइंड से निकालो क्या क्या आ जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स का हिंदी क्या होगा, मेनी टीचर्स का हिंदी क्या होगा, मेनी पोएट्स का हिंदी क्या होगा, आप लोग इसका हिंदी बताओ। चलो इसका सबका
हिंदी करो कंप्लीट, इसको कॉपी में लिखना है, आप टाइपिंग करके मत भेजो, हिंदी हिंदी कॉपी में कर लेना है जल्दी से। अब देखो जैसे मैनी स्टूडेंट्स आ गया, तो मैनी स्टूडेंट्स का हिंदी क्या हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। मैनी टीचर्स हिंदी क्या आ जाएगा, बहुत सारे शिक्षक, या शिक्षकें कर सकते हो, बहुत सारे शिक्षकें। अब फिर मैनी पोएट्स मतलब बहुत सारे कवि, बहुत सारे कवि या बहुत सारे कवि है। तो मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी, मैनी टीचर्स बहुत सारे शिक्षक, मैनी पोएट्स बहुत सारे कवि, मैनी फार्मर्स बहुत सारे किसान। तो ये चीजें मेथड ये वाला कंप्लीट है, मेथड ये वाला कंप्लीट है आप लोग का। चलो बहुत अच्छा, अब यहाँ पे जो अभी वर्ड्स लिखा गया, अब इस पर सेंटेंस का काम होगा। जैसे देखो मेनी का मतलब क्या मिल गया, बहुत सारे। अब बहुत सारे को यदि हम लोग लेते हैं, मान लो कि बहुत सारे किसान, अब बहुत सारे किसान, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे कवि, तो वहां पर क्या होता है, गिनती सिलसिलेवार ढंग से बता रहा है। तो जैसे गिनती सिलसिलेवार ढंग से बता रहा है, तो गिनती में हम लोग किसका यूज ले लेते हैं, देर का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो गिनती, सब्जेक्ट नहीं है और गिनती बता रहे हैं, सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, देर। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है गिनती को बता रहा है, देर। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है प्लेस को बता रहा है, तो फिर क्या, देर। अभी फिलहाल हम लोग गिनती को सीख रहे हैं। अब देखो जैसे बहुत सारे, तो मैनी आ गया, मैनी अपने बाद क्या लेगा, प्लुरल नाउन लेगा, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी पोएट्स, ये सब मैटर आ गया। अब देखो जैसे इसमें आता है बहुत सारे किसान, माइंड लगाना, समझना है इसको, बहुत सारे किसान। तो बहुत सारे किसान तो यह एक वर्ड हो गया, सेंटेंस तो यह हुआ नहीं, यह एक वर्ड हो गया। तो मैनी फार्मर्स, मैनी फार्मर्स में यह खत्म है, लेकिन जैसे ही इसको हम सेंटेंस में बदल देते हैं, बहुत सारे किसान हैं, तो पूरा यह एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब बहुत सारे को गिनती लेवल में लाया गया, जैसे गिनती आया तो इसमें क्या लेना है, देयर। तो क्या आ जाएगा, देयर। अब यहाँ देखो बहुत सारे तो एक से अधिक होगा ही, प्रेजेंट है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, आर, देयर आर मैनी फार्मर्स। क्या जाएगा, देयर आर मैनी फार्मर्स। अब इसी जगह हम लेते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी थे, बोलो इसको कैसे बना लेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी थे, तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर मैनी स्टूडेंट्स। कंप्लीट है, बहुत सारे विद्यार्थी थे तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर मैनी स्टूडेंट्स। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो देयर विल बी मैनी स्टूडेंट्स, बना लोगे ये सब मैटर। अब कंप्लीट है, यहाँ तक बीच वाला लाइन डिस्टर्ब करता है, यहाँ पे बहुत सारे लिखा हुआ है, बहुत सारे, यस पूरा कंप्लीट है। अब इसको पूरा सेंटेंस में जोड़ना है, ये सेंटेंस हम दो चार और लिख रहे हैं, वो सेंटेंस को आप पहले बनाओ।
चलो इसको बनाओ, पूरा कंप्लीट देना जल्दी से। चलो क्लियर करो, क्लियर करो। जल्दी से बनाना है इसको। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, क्लियर करना है। नितेश, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स, इसमें एस लगाना है, मेनी के बाद प्लुरल नाउन चाहिए। चलो कंप्लीट कर चुके हो, देयर आर मेनी पोएट्स, बहुत अच्छा कंप्लीट कर चुके हैं इसको। अब इसको पहले बना लेते हैं। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी, आप लोग तो जान रहे हो डायरेक्ट, बहुत सारे विद्यार्थी का क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स, जैसे सेंटेंस का एंडिंग आ गया, यहाँ पे देखना है हमारा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। प्रेजेंट में इज आर आता है, पास्ट में वाज वेयर आता है, और फ्यूचर में विल भी आता है। सेल भी तो आएगा नहीं क्योंकि आई भी नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स। अब देखो बहुत सारे किसान थे, तो देयर वेयर मेनी फार्मर्स, देयर वेयर मेनी फार्मर्स। बहुत सारे कवि हैं, देयर आर मेनी पोएट्स, देयर आर मेनी पोएट्स। अब ये क्या है, बहुत सारे गायक हैं, तो देयर आर मेनी सिंगर्स, देयर आर मेनी सिंगर्स, बना देयर आर मेनी सिंगर्स। कंप्लीट कर चुके हैं सभी लोग, पूरा बेसिक से आपका चैप्टर शुरू किया गया, पूरा बेसिक क्लास से शुरू किया गया आपका। रेगुलर रहोगे तभी पूरा कंप्लीट समझा पाएंगे हम, पूरा कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो जैसे यह सेंटेंस आ गया, अब इस सेंटेंस से पहले हम लोग पढ़े थे क्या, ऑन और इन, क्या पढ़े थे, ऑन और इन। अब छोटा सा पॉइंट लेते हैं इसी सेंटेंस में, जहां देखना अब देखो जैसे किस जगह पर आया, बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बनाया, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। अब इसी को हम लोग ले लेते हैं वर्ग में, छोटा छोटा सेंटेंस धीरे धीरे हम बड़ा करते जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट समझो। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बना दिया क्या, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। अब क्या आ गया, वर्ग में, तो वर्ग में का क्या आ जाता है, इन द क्लास, बन गया पूरा सेंटेंस। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जैसे इसमें देखा जाए कि गांव में बहुत सारे किसान थे, गांव में बहुत सारे किसान थे, और इसको कैसे बनाओगे, बहुत सारे किसान थे पहले बना लो, देयर वेयर मेनी फार्मर्स, देयर वेयर मेनी फार्मर्स। अब गांव में का क्या आ जाता है, इन द विलेज, पूरा कंप्लीट बनाओ इसको। गांव में बहुत सारे किसान थे, तो देयर वेयर मेनी फार्मर्स इन द विलेज, कंप्लीट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग, कंप्लीट है यहां तक। अब है कि देखो पूरा बेसिक क्लास से आपका चालू किए हुए हैं क्लास, पूरा बेसिक से एकदम जीरो लेवल से चालू किए हुए हैं,
पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ सेंटेंस सीख जाते हैं, फिर वर्ड्स पर जाएंगे। वर्ड्स आएगा, सेंटेंस और भी धीरे धीरे बड़ा बनता चला जाएगा। लेकिन आपको एक चीज माइंड में रखना है, यदि मेरा क्लास करना है तो आपको रेगुलर रहना है, नहीं तो मेरा क्लास करना ही नहीं है। क्योंकि यदि आप रेगुलर रहते हो तो आपको समझ में आएगा, आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। यदि रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, तो फिर पढ़ाने पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस यदि आप क्लास करते हो तो रेगुलर करो, बाकी और विशेष क्या कहें। तो आज का क्लास बस यहाँ तक, और SW में ये पॉइंट आपको पूरा कंप्लीट लेना है जो आज आपको बताया गया। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, जो लोग शुरू से क्लास किया वो पूरा समझ गया होगा क्या क्या बताया गया। उसको थोड़ा सा रूम पर रिवाइज करना है कि सेंटेंस किस तरीके से बताया गया है। तो मुझे आशा विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं मिलेगा, और आप रेगुलर क्लास 9-10 में मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो 9-10 तक में आप लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। बस यहाँ तक, थैंक्स, गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।